और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया है जो घाटी में मंदिर संपत्तियों के अवैध पट्टे की जांच करेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवा से लेकर पर्यावरण के मुद्दे को संबोधित करने से लेकर जनता की सभी शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। जम्मू कश्मीर में निर्वाचन आयोग के संभावित दौरे से विधानसभा चुनाव की जगी उम्मीद, इसी महादल के आने की संभावना। पुलिस ने पक्षकारों पर दबाव बनाने के आरोप को खारिज किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि वह तेजी से और परेशानी मुक्त पासपोर्ट मंजूरी के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदर्शन हुआ बेहतर, नवजात मृत्यु दर में सुधार। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर में नवजात मृत्यु दर में बड़ा सुधार आया है। प्रदेश में मृत्यु दर 9.8 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 24.9 है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।